नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ मैट फिनिश का 800-800 का टाइल। यह है मैट फिनिश, ये ओनली फॉर साइजिंग होता है, कोई पॉलिशिंग नहीं होता है। डिजाइन का नाम देख सकते हो, सिया स्टोन क्रीमा। ये ना कोई ग्लोसी है, ये ओनली फॉर मैट है। साइज में 800-800 है। इसमें हमारे पास अभी दो डिजाइन का फ्लोरिंग है, अभी आप देख सकते हो। दूसरा डिजाइन देख सकते हो, डिजाइन का नाम काश्मीरी ग्रे। ये भी सेम मैट फिनिश स्टाइल है। ये उसका क्लोज वैल्यू है, इसमें रहता है 15 से 20 तक ही रहना चाहिए। ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं इसका क्लोथ वैल्यू है। पंद्रह से बीस तक ही रहेगा। ये भी सेम है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड होता है तो 5 से 7 तक रहना चाहिए, और उससे भी हार्ड होता है तो 2 से 3 तक रहता है। इतना हार्ड होने के बावजूद भी हमारा इसमें मार्कर रिमूव हो जाता है, या चाहे किचन में लगाए चाहे कुछ कहीं पे लगाए, कोई भी दाग आराम से निकल सकता है, जिसको कहता है स्टैंड रेजिस्टेंस। ये देखिए दोस्तों, ये परमानेंट मार्कर पेन है, इसको कहीं पे भी मैं निशाना लगाऊं तो ये आराम से निकल जाएगा। पानी लगा के एक बार घिस दोगे तो आराम से निकल जाएगा। अभी मेरे पास पानी है, ये पानी देके आराम से निकल गया दोस्तों, कोई निशाना नहीं है इसमें। दोस्तों ये फिलर गेज, इसमें टाइल का बैंड नापा जाता है। इसमें टाइल का बैंड बोले तो यानी कि कर्बेचर होना चाहिए 0.5 प्लस माइनस 0.5। तो दोस्तों अभी मैं कर्बेचर नापूंगा तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर भी एक साइड मैं दिखा देता हूँ। ये है 0.15। ये 0.3 है, ऐसे नापा जाता है, और इसका स्पेसिफिकेशन रहता है 0.5 प्लस माइनस 0.5। नेक्स्ट इसका साइज दिखा देता हूँ, 800x800 जो साइज है, 800mm x800mm, इसका साइज मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा वर्नियर कैलिपर, इसमें आप देख सकते हो साइज है 800x800 का है। साइज का स्टैंडर्ड दोस्तों 0.2 तक चल सकता है, प्लस माइनस 0.2 तक चल सकता है। अभी आपको दिखाऊंगा डायगोनल कॉर्नर टू कॉर्नर, डायगोनल आता है 1131.3, प्लस माइनस 0.6 चलता है,
1131.0 है, अपोजिट साइड भी प्लस माइनस 0.2-0.5 तक मिल सकता है। अपोजिट साइड आप देख लो 1131.2 है, यानी कि डायगोनल हमारा बराबर है। बाकी दोस्तों सरफेस के बारे में बताओ, तो सरफेस एकदम रेडी है, सरफेस में कुछ फॉल्ट नहीं है। और सिरेमिक में फॉल्ट के बारे में बताओ, तो फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा विजुअली जो फॉल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 50 से ऊपर हो जाता है फॉल्ट। बाकी उसमें से और टेक्निकल फॉल्ट भी रहता है जो इन फ्यूचर टाइल्स में प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आज तक यही है, आगे जितना